हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल DMS बेस्ट। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को NIT मणिपुर की प्लेसमेंट बताऊंगा पूरी डिटेल में। मतलब पूरी डिटेल में ब्रांच वाइज तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो भी दिया हुआ है NIT मणिपुर की, अब देखो NIT मणिपुर की मैं पूरी प्लेसमेंट बताऊंगा 2022 की, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसमें एक चीज़ ये है कि मैं NIT मणिपुर पे क्यों लेके आ रहा हूँ, क्योंकि देखो यार टॉप NITs की प्लेसमेंट्स मिल जाती हैं आप सभी को गूगल पर भी या कहीं भी यूट्यूब पे, और टॉप NITs आप सबको पता है बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जो लोअर NITs हैं या फिर जो नॉर्थ ईस्ट में हैं या जो ऊपर नीचे NITs हैं उन जिनकी बारे में आप सबको नहीं पता, जो आपको लो कट ऑफ पर, मतलब कि अगर आपकी कट ऑफ आपकी रैंक अच्छी इतनी अच्छी है भी नहीं तो भी आपको ये NIT मिल रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कम से कम कि ये NIT है कैसी, एक्चुअल में इसकी प्लेसमेंट है कैसी। तो अभी बहुत से ऐसे NITs हैं जिसकी प्लेसमेंट मैं लेके आऊँगा आपको, क्योंकि उन सबका डेटा है मेरे पास। और आज मैं NIT मणिपुर पर लेके आ रहा हूँ। मणिपुर आप सबको पता है नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, और होम स्टेट वालों के लिए तो यार बहुत अच्छा मौका है, और अदर स्टेट वालों को भी थोड़े उसमें मिल जाता है। प्लेसमेंट वीडियो है ये, मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा, एवरेज पैकेज भी बताऊंगा और हाईएस्ट पैकेज भी बताऊंगा, लेकिन ब्रांच वाइज नहीं है, यहाँ पे बैच वाइज दिया हुआ है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि मैं डेली ही ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहता हूँ और कोई भी फालतू टॉपिक पर वीडियो लेके नहीं आता। अभी देखो 2022 बैच का है, मतलब रिसेंटली इसी साल का है। तो देखो नंबर वन, देखो कंपनी यहाँ लिखा हुआ है, वन पे है अमेज़न, जिसने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पैकेज ऑफ़र किया 47 लाख पर एनम का, और वन स्टूडेंट ऑफ़र हुआ, बस ऐसी बैच में दिया हुआ है। अब नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट, वन स्टूडेंट को उसने हायर किया, और CTC जो है उसका 45 लाख का है। तो देखो यार ये NIT मणिपुर है, इसमें हाईएस्ट 15 या 20 नहीं है, 47-45 है, तो बहुत अच्छा एक ऑप्शन है अगर आप उसके अंदर टॉप में आते हैं तो। नेक्स्ट है न्यूज़ एरा, इसमें अगर देखें तो वन स्टूडेंट है 37 लाख पे। तो यार आप देख सकते हैं प्लेसमेंट, मेरा काम है प्लेसमेंट बता देना आप सबको, तो ब्रांच वाइज यहाँ नहीं दिया हुआ है, जैसा अवेलेबल होगा मैं वैसा ही लेके आऊँगा यार, अपनी तरफ से तो कुछ गलत बताऊँगा नहीं। नेक्स्ट है सैमसंग, देखो यार ये 14.5 है, ये अब मैं यहाँ इसके बीच में और है, इस 14.5 से भी ऊपर नीचे हैं, अभी थोड़ा सा इन्होंने सीरीज़ में नहीं डाला, ऊपर नीचे डाला है, ऐसी बात नहीं है। सैमसंग में 14.5 लाख पर एनम के 7 स्टूडेंट्स को उसने ऑफर करा। और नेक्स्ट है इन्फोएज ने 14.5 पे 3 स्टूडेंट को ऑफर करा, हायर करा। नेक्स्ट है पब्लिक सेपेंट, 7 स्टूडेंट 10 लाख पर एनम पे। उसके बाद टाइगर एनालिटिक्स, 2 स्टूडेंट 10 लाख पर एनम पे। उसके बाद प्योर सॉफ्टवेयर, 4 स्टूडेंट को 9 लाख पर एनम पे। डेलोइट को 7.6 लाख पर एनम में 5। इन्फोसिस है 8 लाख पे, देखो ये देखो 8 लाख नीचे है ना, ये 7.6 से ज़्यादा है, तो 1 स्टूडेंट तो यार इसमें वो ज़्यादा है। नेक्स्ट है इन्फोसिस अगेन 5 लाख पे 1 स्टूडेंट को। फिर ये कंटर है 7.15 पे 1 स्टूडेंट को। नेक्स्ट है टैलेंट रिक्रूट सॉफ्टवेयर 6.5 पे 1 स्टूडेंट। कैप जिमनी का 7.5 पे 11 स्टूडेंट। तो LTI L1 का 8 लाख पे 1 स्टूडेंट है। LTI L2 का 5 लाख पे 1 स्टूडेंट। फिर इन्फोसिस L1 8 लाख पे 1 स्टूडेंट, L2 5 लाख। IBM आप सबको पता है कहाँ की है, US की है, आई थिंक US की कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, 7.5 पे 2 स्टूडेंट्स हैं। एलस्टॉम पे 6.5 पे 1। कैविसन, मैं आपको एवरेज पैकेज ही बताऊंगा और हाईएस्ट पैकेज ही बताऊंगा लास्ट में। कैविसन 4.5 पे 1 पे। पाई इन्फोकॉम में 4.5 पे 2 हैं। विटुसा L1 पे 6.51, L2 पे 6 लाख पर एनम का है। फीएट इंडिया ऑटोमोबाइल, मतलब ये फीएट इंडिया है तो इसमें ऑटोमोबाइल की है, तो सपोज मैकेनिकल से होगी या फिर CSP हो सकती है, वो तो आपके ऊपर है, कोई भी ब्रांच का उसमें आ सकता है, मतलब प्लेसमेंट ऑफ में बैठ सकता है कोई भी ब्रांच का हो। फीएट इंडिया ऑटोमोबाइल में 5 लाख पे 2 स्टूडेंट्स हैं। मिनी ऑरेंज में 12 लाख, देखो यहाँ पे 12 लाख आ गया, ऐसा नहीं है कि अब 5 से नीचे ही दिखाएगा, मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि ऊपर नीचे होता रहेगा। 12 लाख पे 1 स्टूडेंट है। CGI पे 6.8 लाख पे 3 स्टूडेंट्स हैं। इन्फोसिस L0 पे 3.6 लाख पे 6 स्टूडेंट है। कोगोपोर्ट पे 10 लाख पर एनम पे 1 स्टूडेंट है। कॉमस्कोप पे 14 लाख पर एनम पे 1 स्टूडेंट है। CDSE BTEC 8.5 लाख पर एनम पे 1 स्टूडेंट है। और अभी नीचे और डेटा है, देखो 32 CDSE MTEC 9.18 लाख पर एनम पे 3 स्टूडेंट्स हैं। LNT आपको पता है ये सिविल की है, ये LNT सिविल इंजीनियरिंग की है, लेकिन इसमें कोई भी ब्रांच के जा सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। 6 लाख पे 6 स्टूडेंट्स हैं। बाईजूज L1 पे 4.8 पे 1 है। सैमसंग SDS में 3.6 लाख पे 18 स्टूडेंट्स हैं। कॉग्निजेंट पे 6.5 के 8 स्टूडेंट्स हैं। टेक सिस्टम्स के 6 पे 1 स्टूडेंट है। TCS जो है, TCS आपको पता है टाटा कंसल्टेंसी, 9 लाख पर एनम इसने पैकेज अच्छा करा है, 9 पे करा है 3 स्टूडेंट्स को।
मिकिनली एंड राइस पे 10 लाख पर एनम पे 1 स्टूडेंट है। एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, अगेन एलएनटी सिविल का है लेकिन ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, टैक्स रिलेटेड है, तो इसमें कोई सीएसआईटी के भी ब्रांच है। 4 लाख पर एनम पे 1 स्टूडेंट है। कॉमविवा है 6.5 पे 1 स्टूडेंट। टाटा पावर 6.06 लाख पर एनम पे 1 स्टूडेंट। नेक्स्ट है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। 11.04 लाख पर एनम पे 6 स्टूडेंट है। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। बायजूस L2 पे 6 लाख पे 1 स्टूडेंट। आईटीसी इंफोटेक में 4.25 लाख पे 4 स्टूडेंट है। वसर लैब से 6 लाख पर एनएम पे 1 स्टूडेंट है। एबीबी पे 7.5 पे 5 स्टूडेंट है। जेएसडब्ल्यू पे 8 लाख पर एनएम पे 2 स्टूडेंट्स है। जेएसडब्ल्यू आप सबको पता है, सुजुकी मोटर्स, ये मैकेनिकल का ऑटोमोबाइल सेक्टर आ गया, तो ये मैकेनिकल का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। 5.75 पे 3 है टोटल। देखो अब देखो यार टोटल, अब देखो आप बोलोगे बस इतने ही, तो देखो यार ब्रांचेज एनआईटी मणिपुर में बहुत कम है, क्योंकि यार ये न्यू एनआईटी इतनी डेवलप्ड हुई नहीं है। मैं हम हर वीडियो में बोलता हूँ जिस कॉलेज में ब्रांचेज ज़्यादा होती है वो अच्छी होती है। ऑब्वियसली एनआईटी त्रिची, एनआईटी वारंगल, सूरतकल में बहुत सारी ब्रांचेज हैं क्योंकि वो पुरानी है, बहुत डेवलप्ड है, बहुत अच्छी है। तो 139 स्टूडेंट प्लेस हुए हैं तो ओवरऑल। अब मैं आपको हाईएस्ट दिखा दूँ, हाईएस्ट जो है इसका 47 लाख पर एनम का है, जो मैंने अभी आपको दिखाया अमेजोन से। एवरेज सैलरी इसका 9.6 लाख पर एनम का है। ये पूरे टोटल ब्रांचेस का है, मतलब जितने भी मतलब प्लेस हुए हैं, तो 9.6 लाख पर एनम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब मैं आपको कुछ ऊपर बताता हूँ। तो ये बैच 2021-22 मतलब इसी साल की रिसेंट की है, और एनआईटी मणिपुर की है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। अगर इसके ऊपर एनआईटी मणिपुर पे अगर कोई और डिटेल आती है ब्रांच वाइज, तो उस प्लेसमेंट की तो मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा। और अभी बहुत से एनआईटीज़ की प्लेसमेंट वीडियो की डिटेल है मेरे पास, डेटा है, ऑफिशियल डेटा, जैसे एनआईटी नागपुर, वीएनआईटी नागपुर, एसवीएनआईटी सूरत, बहुत से एनआईटीज़ और आईआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़, जीएफटीआई और बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेज की प्लेसमेंट डेटा है मेरे पास। मैं डेली ही वीडियो लेके आऊँगा, इसके लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करना, सब्सक्राइब करो कि आपको वो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलती रहे। और यार देखो एक दूसरी प्रॉब्लम कि यार देखो मैं कट ऑफ पे वीडियो लेके नहीं आ पा रहा हूँ। तो आप सबको पता है 2-3 दिन से मैं आईआईटी एनआईटी सी कट ऑफ नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि यार जो साइट थी, वेबसाइट जिस पे मैं बताता था, वो वेबसाइट अपडेट हो चुकी है। 2021 से जो भी था, जोसा की वेबसाइट थी, वो अपडेट कर दी है गवर्नमेंट ने, वो अब उससे हटा दिया है बिल्कुल डेटा। तो मैं कहीं ना कहीं से कोशिश कर रहा हूँ कि ऑफिशियली कहीं से डिटेल मिले, तो मैं जल्द से जल्द उस पर आपको लेके आ जाऊँ। तो यार देखो जब हटा ही दिया, लेकिन इसलिए मैं तब तक प्लेसमेंट और रैंकिंग्स पे करूँगा, और भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो लेके आता रहूँगा। तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी इंस्टा की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, मुझे डीएम कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बेल आइकन प्रेस करना, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है मैं डेली वीडियो लेके आता रहता हूँ, चाहे कोई भी कंडीशन हो। और फिर मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।